बड़ा कब्रस्तानतील स्थानिक रहिवाशांनी आरोप केलेले की याकूब मेमन यांच्या कब्रेवर एक कमर्शियल मीटर लावण्यात आलेला आहे। या आरोपाला आता साबित करण्यासाठी आमच्याबरोबर माजी ट्रस्टी आहे, ज्यांचं म्हणणं आहे की तिकडे मीटर असून त्यांच्याकडे ह्या मीटरचे बिल सुद्धा आहेत, ते बिल ते घेऊन आलेले आहेत। आपण एकदा त्यांच्याशी बोलूया नेमकं काय प्रकार आहे साहेब। पहले तो मैं भी एपीपी माजा का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो ये गलत काम जो हुआ था उसको उजागर करने का आप लोग काम कर रहे हैं। एपीपी माजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। और ये जो स्थानिक नगर जो स्थानिक जो आदमी था जिन्होंने एक आरोप लगाया था, मीटर लगे हुए थे, देखो मैं आपको इस चीज़ का यहाँ प्रूफ बताना चाहता हूँ जो मैंने जिस पर दो मार्किंग किया हूँ, ये आपके कैमरे में है, दो कैमरे में है, इसको नज़दीक से देख लो फिर मैं उसका बिल भी आपको बताता हूँ। इसके अंदर दो मीटर जो है वो कब्रिस्तान के अंदर दी गए है। पहली बार मेरे ख्याल से शायद ऐसा हुआ है कि कब्रिस्तान का जो वटा होता है उसको भी मीटर लगे थे। वो दो मीटर है, उसकी डेट है 21/7/28 तारीख को, और दोनों का गिराक नंबर है 3434777006। उसका भी सेम नंबर है 3434777007। जिसके ये मीटर के जो बिल है, एक इमरान ओबराय के नाम पर है और एक रऊफ ओबराय के नाम पर, ये दूसरा बिल रऊफ ओबराय के नाम पर। और ये जो बिल है मैं आपके कैमरे से माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आप इसके अंदर इसको नज़दीक करके देख लो, जो इस पर ना एच ब्लॉक ये एच ब्लॉक, तो ऐसा शायद ही ऐसा हुआ होगा कि जो वटों में कबर के अंदर जो है वो उन लोग कैमरे लगा रहे, कल के लोग दरवाज़ा लगा के रूम बना देंगे, ऐसा मुझको लगता है। और बात यह है कि ये जो ट्रस्टियान है, ट्रस्टियान मस्जिद को संभालने के लिए बैठे हैं, ये पूरे शान से झूठ बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, वहाँ काला मार्बल लगा था, वहाँ पीला मार्बल लगा था। इनकी झूठ हद देखो, ये एकदम 100 कैमरे वाले आए थे, 100 न्यूज़ वाले आए थे, 100 न्यूज़ वाले के सामने वो ये बोलता है क्या उधर मार्बल लगा था। उसके बाद से आपको उसकी एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं, कल हमारा जमाती जो है वो मस्जिद में गया था, उसके जाने वाले की रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। जब वो मस्जिद में गया था, वो हमारी जमात का पुराना आदमी है, उसने जाके उससे सवाल करा कि बोले भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्या चीज़ है, तो बोले कुछ नहीं है, न्यूज़ वाले 4-5 दिन चलाएंगे, उसके बाद में कुछ होने देने का नहीं है, बोले भाई ने सब मैनेज करके रखे। तो मैंने उसको पूछा, मतलब उसने भाई किसका बोला, तो बोले भाई आजकल तो कौन चल रहा है, तुम लोग समझ जाओ। उसने पूरा बोले सब चौकी ये वो सब मैनेज कर रहा है, आप लोग कितनी भी मेहनत कर रहे हो कुछ होने वाला है नहीं, आने वाले दिनों पे हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर उल्टा कुछ FIR हो जाए, ऐसा उसने मेरे को। ये एच ब्लॉक जो है ये किसका ब्लॉक है, ये याकूब मेमन का ब्लॉक है क्या और कुछ है? एच ब्लॉक याकूब मेमन का ना, ये देखो ना इसमें बता रहा ना, फिर आप एक बार देख लीजिए एच ब्लॉक उसमें लिखे ला है, एच ब्लॉक सर्विस दे रहे हैं, इसमें क्या लिखे ला है एच ब्लॉक प्लॉट नंबर 52 बड़ा कब्रस्तान, और ये इमरान ओबेरा के नाम पे एक दूसरा उन लोग ने इलीगल दुकान बनाए। इनका काम ही यही है कि उनके साथ में उनके इन्फ्लुएंस के ऊपर ये ट्रस्टियान जो है वो इनलीगल काम कर रहे हैं। जैसा एक मस्जिद है, मस्जिद के बाजू के अंदर भी अभी तक के इनलीगल बिल्डिंग बन रही है, जिसका कुछ 3-4 माला बन चुका है, अंदर इंटीरियर काम चालू है, और BMC कोई एक्शन लेने रेडी नहीं है। एक बिल्डिंग और बनी है आने वाले वक्त में, उसका भी बताऊँगा। और स्थानिक वहाँ के एक लड़का है, उसका नाम मुझको पता नहीं है, जो आपके न्यूज़ पे आकर उन्होंने बोला है, उसने एक इंजाम और लगाया है कि लॉकडाउन में जो है उन्होंने लोगों से पैसा लिया, आने वाले वक्त में मैं उसका भी प्रूफ आपके सामने रखूँगा। तर हे होते माजी ट्रस्टी जलील नवरंगे, ज्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे इमरान ओबेरॉय यांच्या नावाने हे इलेक्ट्रिसिटी किंवा मीटर जे आहे ते याकूब मेमनच्या कबेवर प्रोव्हाइड करण्यात आलेलं आहे। ते हे नेमकं याकूब इमरान ओबेरॉय हे कोण व्यक्ती आहे ज्यांना ह्या मीटर जे आहे त्या निमित्ताने प्रोव्हाइड करण्यात आलेलं आहे। कॅमेरामॅन अजित कदम बरोबर फैसल तांडेल, ABP माझा, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।